नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं लाइव विजुअल्स द लोकल रिपोर्ट के माध्यम से शिबनोत से। और शिबनोत में आज जो है वो राफ्टिंग कंपटीशन है यूटी लेवल, और आप देख सकते हैं कि विजुअल्स जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से। अभी ये लाइव जो है आप देख पा रहे हैं कि अभी जो है शिबनोत के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और कब जो है राफ्टिंग जो है यूटी लेवल की राफ्टिंग जो है वो चिनाब के ऊपर जो है शुरू होगी, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। विजुअल्स में देखिए कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के जो है वो आपको यहाँ पर एम्प्लॉयज देखने को मिल रहे होंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर किस तरीके से पूरे जो है, क्योंकि ये पूरे प्रेमनगर के बिल्कुल पास में जो है ये एरिया पड़ता है, और ये एरिया में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है वॉलीबॉल अभी जो है करवाया जा रहा है, वॉलीबॉल यहाँ पर हो रहा है, और युवा जो आए हुए हैं यहाँ पर वो वॉलीबॉल का मुजाहरा भी कर रहे हैं, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है आए हुए हैं, और साथ ही में जो है यहाँ पर अथर अमीन जरगर जो है वो यहाँ पर है, और जो सरपंचज वगैरह यहाँ पर है वो भी यहाँ पर है, और किस तरीके से युवा जो है यहाँ पर आए, और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जो है यहाँ पर युवा आए हैं राफ्टिंग में जो है भाग लेने के लिए। देख सकते हैं कि ये सभी जो है युवा आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पर पूरी जो है गोप्रो कैमराज लगा के, और ये देख सकते हैं कि गोप्रो के कैमरे भी, और आप सभी आपको मालूम है क्योंकि आपने देखा है कि समय समय पर जो है चिनाब के ऊपर जो है राफ्टिंग हुई है, और उस राफ्टिंग में जो है युवा ने भाग लिया, और सभी लोगों को भी जो है ओपन जो है वो होता था, और ओपन ही लोग आते थे और उसमें भाग लेते थे, और राफ्टिंग का जो है चिनाब रिवर के ऊपर जो है मजा लेते थे। बड़ी बार हमने देखा है कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है ये फोकस किया गया था, यहाँ पर जो है पिछले जो डीसी थे उन्होंने जो है शुरुआत की थी इस राफ्टिंग की, यहाँ पर चिनाब के ऊपर राफ्टिंग जो है वो करवाई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि चल ये देखिए तस्वीरों में देखिए कि ये यहाँ पर जो है विकास सर भी, इनसे जो है जानकारी लेने की करेंगे, एक्सट्रीम एडवेंचर से ये है। सर आपका स्वागत है, कहाँ कहाँ से युवा जो है आए हैं इस राफ्टिंग में भाग लेने के लिए, और कितना उत्तेजित है आप इस कॉम्पिटिशन के लिए? देखो सर, सबसे पहले धन्यवाद आपके इस चैनल का जिसके माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जैसे यहाँ पे राफ्टिंग पीछे 2-3 साल से कमर्शियल हो रही है, लेकिन ये एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इनिशिएटिव लिया है कि एक कंपटीशन का इसको एक मतलब एक रंग दिया जाए, ताकि लोगों में या जो हमारे यूथ है उसमें एक वो रहे कि एक कंपटीशन की इसमें आगे भी स्कोप है, मतलब एज ए एथलीट एज ए स्पोर्ट्स पर्सन भी आप इसमें जा सकते हो। तो मोर ओवर इसमें जैसे 5 टीम जो है कम्पीट कर रही है, इसमें एक ही सीरीज हो रही मैराथन जिसमें 5 टीम जा रही है, जिसमें अलग अलग रियासी उधमपुर जम्मू हमारे भद्रा और कुछ लोकल हमारे किश्तवाड़ और ठाठरी एरिया के लड़के जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टोटल में हमारे 5 टीम जिसमें हमारे को 30 लड़के इसमें आज कंपटीशन मतलब वो पार्ट प्ले कर रहे हैं। कितना उत्तेजित हो रहे हैं, कितना अच्छा महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन? सर एडमिनिस्ट्रेशन एक ही चीज बोलूंगा कि थैंक यू, और इस चीज को हमेशा आगे करके मैं तो स्पेशली जो है हमारे जो अगर डीसी जो महाजन साहब या हमारे एसडीएम जो अथर साहब है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सिर्फ जो भी ये यहाँ पे पॉसिबल जो चीज हो रही है ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और इन दो लोगों मतलब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं इनके बदौलत ये चीजें पॉसिबल हो रही है, कि ये हम जो आप मतलब अपने कैमरे के जरिए लोगों को दिखा रहे, तो ये सब दो लोगों की दो ऑफिसर्स के बदौलत ये चीजें डिसाइड हो रही है। तो अभी कहीं ना कहीं इस कॉम्पिटिशन से आपको लगता है कि लोग फोकस्ड होंगे, इस तरफ आएंगे और वो कहेंगे कि नहीं चिनाब के ऊपर जो है वो स्कोप है राफ्टिंग का? देखो सर, स्कोप तो चिनाब के ऊपर बहुत है, लेकिन ये चीज है कि हम बचपन से, जैसे मैं इस एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोगों में एक बचपन से एक फोबिया था चिनाब का। तो अब जब ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है, ये जो चीजें कंटिन्यूटी में यहाँ पे हो रही हैं, आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से डॉक्टर सागर डफर्डे साहब के टाइम से ये चीजें हो रही है, तो अगर ये चीजें कंटिन्यूटी में रहती है, जैसे कि मतलब हर साल में 1-2 बार ऐसे इवेंट्स होते रहे, तो लोगों के बीच एक अवेयरनेस फैलेगी और उनको लगेगा कि नहीं ये सिर्फ एक डरने का ही नहीं, आप इसको रेस्पेक्ट करो, आप इसको जिनाब को रेस्पेक्ट करो और एक मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन लेके आप इसमें अपना फ्यूचर भी अर्न कर सकते हो, आप वो सब चीजें मतलब पॉसिबिलिटीज जो है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि इन्होंने भी कहा कि डॉक्टर डायफोडे जी का नाम लिया जो डीसी जो है पुराने थे। देख सकते हैं कि अभी जो है किश्तवाड़ डीसी भी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं।
तो किश्तवाड़ के डीसी जो है वो भी यहाँ पर स्पॉट पे पहुँच चुके हैं। डोडा डिस्ट्रिक्ट के डीसी भी यहाँ पर है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से भी जो है डीसी यहाँ पर पहुंचे। देख सकते हैं कि विजुअल्स में आपको जो है गाड़ियां देखने को मिल रही हैं। और यह कहीं ना कहीं आज का जो है यूटी लेवल पे, क्योंकि यूटी लेवल पर जो है कंपटीशन है, और यूटी लेवल पे कंपटीशन होकर जो है यहाँ पर युवा आएंगे। और तो अभी आप देख सकते हैं कि जो है एसडीएम ठाठरी जो है वो रिसीव करने के लिए जो है गए हैं, और यहाँ पर जो है तो देख सकते हैं कि एसएसपी डोडा भी और डीसी डोडा भी जो है यहाँ पर खड़े हो चुके हैं और वेलकम करने के लिए, क्योंकि किश्तवाड़ के जो है डीसी भी यहाँ पर आएंगे। और डिफरेंट, क्योंकि स्टेट लेवल का इवेंट होने जा रहा है, यूटी लेवल का कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं जो है डिफरेंट आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जो है डीसीज और एसएसपीज और डीएसपीज यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर इस इवेंट में जो है भाग लेंगे। तो देख सकते हैं कि विजुअल्स में डी के किश्तवाड़ डॉक्टर दिवनेश यादव जी जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। दिवनेश यादव जो है किश्तवाड़ के जो है डीसी हैं, और हाँ दिवंश किश्तवाड़ जो है, दिवंश नाम है डीसी किश्तवाड़ का, और वो यहाँ पर दिवंश यादव जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और डीसी डोडा एसएसपी डोडा जो है उनका वेलकम भी जो है कर रहे हैं। देख सकते हैं कि लाइव विजुअल जो है वो दर्पण रिपोर्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि वो अभी मिलेंगे जो है। तो देख सकते हैं कि वो अभी जो है युवाओं से मिलेंगे, जो राफ्टिंग में जो है जो आए हैं, जो राफ्टिंग में जो देख सकते हैं कि युवा यहां पर आए हैं उनसे मिलेंगे। और स्पॉट पे जो है क्योंकि और भी इवेंट्स जो है यहां पर चलाए जाएंगे, जैसे वॉलीबॉल चल रहा है यहां पर, शॉट पुट होगा, और यहां पर उसके बाद जो है तो देख सकते हैं शॉट पुट भी यहां पर जो है किया जाएगा, शॉट पुट। और तो देख सकते हैं कि शॉट पुट थ्रो यहां पर चल रहा है, और शॉट पुट थ्रो देखिए दिवंश किश्तवाड़ डीसी जो है दिवंश यादव जी जो है अब शॉट पुट फेंकेंगे। और शॉट पुट के लाइव विजुअल्स जो है आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो है किश्तवाड़ के जो डीसी हैं दिवंश यादव जी जो है तस्वीरों में आपको देखने को मिल रहे हैं कि किश्तवाड़ डीसी शॉट पुट सामने की तरफ ये साइड या देख सकते हैं कि अभी खतरा भी है कि हमें ना मिले, और ये लाइव विजुअल्स भी आपको दिखाने हैं। और ये देखिए दिवंश यादव जी जो किश्तवाड़ के डीसी हैं, और वो भी शॉर्ट पुट देखिए, शॉर्ट पुट उन्होंने भी यहाँ पर फेंका, और शॉर्ट पुट के इवेंट्स भी है, और भी डिफरेंट इवेंट्स यहाँ पर जो है चल रहे हैं, जैसे जो है वॉलीबॉल यहाँ पर कराया जाएगा। यूटी लेवल का जो है सबसे मेन इवेंट जो है वो यूटी लेवल के राफ्टिंग का है, उसके बाद जो है म्यूजिकल इवेंट भी यहाँ पर होगा। एसएसपी किश्तवाड़ जो है सवाल जेके पी एस डिस्कस थ्रू करते हुए थोड़ा साइड हो जाए सारे जो एक्सपर्ट है सर पे थोड़ा गाइड करें। ये 10 मीटर लिखो पहले ऐसा नजारा बहुत कम दिखता है जब डीसी साहिबान एसएसपी साहिबान खुद लोगों को मोटिवेट करने के लिए बीच में आए। एसएसपी साहब किश्तवाड़ खलील साहब पोस्टवाल जेके पी एस डिस्कस करो डीसी साहब को अपना खत्म थोड़ा कैमरा साइड 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 डोडो किश्तवाड़ का मिलन भी है कॉम्पिटिशन भी है। बहुत बढ़िया ये लिख रहे हैं ना आप ये डीसी साहब डोडा श्री विशेष पाल महाजन जी। अब जो है उसके बाद डीसी डोडा विशेष पाल महाजन जी भी जो है वो थ्रो करेंगे यहाँ पर शॉर्ट पुट थ्रो करेंगे, और ये लाइव विजुअल्स जो है कैद होते हुए श्री अब्दुल कयूम जी जो है पीएस जी सर क्लोजर ऑफ बहुत बढ़िया यस एसएसपी डोडा से।
अभी तक एसएसपी साहब किश्तवाड़ फर्स्ट रैंक कर रहे हैं, अब डीसी साहब के हवाले डोडा की लेकिन सर जीत के तो आप जीत नहीं सकते, वो जीत ही नहीं। बहुत ही अच्छा नजारा है, बहुत अच्छा सर, थोड़ा सा साइड वाले थोड़ा अपने सेफ्टी को देखे। पीछे नहीं ना चला जाए, किसी को लग नहीं जाए, मुझे यही रिस्क है कि पीछे ना लग जाए। क्या हुआ सर? सर रिजल्ट बता दिया, अभी एसीआर साहब मेडल देगा जो ओवरऑल फर्स्ट आएगा। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शॉट पुट थ्रो जो है यहाँ पर हुआ। ये बताना चाहते हैं, एक तो आई एम वेरी थैंकफुल डीसी और एसपी स्क्वाड, टाइम निकाला और ऑल द वे ट्रेवल करके आए। दूसरा, ये यूथॉन का लास्ट पार्ट है, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो यूथ हैं वो पॉजिटिव एक्टिविटी में लगे। ये जो बीच की लुक अथर ने दी है, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, ही क्रिएटेड अ वंडरफुल इवेंट जंगल बयाबान रेत में। दूसरी बात, चुनाव हमें एक चैलेंज देता है, वो चैलेंज मैं चाहता हूँ यूथ टेक ओवर करे, टेक अप करे, ये डिसाइड करे कि बुरी चीजों के साथ लड़ना है, चाहे वो नशा हो, चाहे वो मिलिटेंसी टेररिज्म का खतरा हो, चाहे वो बुरी सामाजिक कुरीतियां हैं जिनके साथ हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। आपका मैसेज आप लोगों के थ्रू यही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, यूटी गवर्नमेंट का, कि यूथ के लिए सरकार दिन और रात एक कर रही है। हम चाहते हैं यूथ जुड़े, हमारी मुहिम जो नेशन बिल्डिंग की है, और ताकि हम अपना जो डिस्ट्रिक्ट है डोडा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और ग्राम पे ले जाएं जो इसको मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप सभी शॉर्ट पुट के लिए चलेंगे और मीडिया कर्मियों के लिए ये बॉल भी है, म्यूजिकल बॉल। तो यहाँ पर जो है, चलिए देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉलीबॉल जो है चल रहा है, वॉलीबॉल का इवेंट चल रहा है, शॉट पुट थ्रो यहाँ पर रखा गया है, ओपन इवेंट्स रखे गए, कंपटीशन भी यहाँ पर रखा गया, मेन इवेंट जो है वो राफ्टिंग का है और साथ ही में जो है म्यूजिकल इवेंट भी उसके बाद होगा। दोनों एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंची हैं, किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, और यहाँ पर यूटी लेवल का जो है कॉम्पिटिशन हो रहा है, और देख सकते हैं कि सभी लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं। एसएसपी किश्तवाड़ भी यहाँ पर आए